अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नईम सर्वर फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाउंज। आज हम इन्वेस्टर्स लाउंज के ट्रेडिंग सिम्युलेटर के एडमिन डैशबोर्ड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसकी डेमो वीडियो देखेंगे। आइए चलते हैं डेमो वीडियो की तरफ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आपने स्पेन पे क्लिक करना है, उसके बाद थर्ड लास्ट पर प्रैक्टिस के पेज पर आपने क्लिक कर देना है। प्रैक्टिस के पेज पर क्लिक करने के बाद आप इन्वेस्टर्स लाउंज की लीग्स के मेन पेज पर जो है वो लैंड हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपनी डिज़ायर लीग सेलेक्ट करनी है और किस जो भी आपकी डिज़ायर लीग है उस पर आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप इन्वेस्टर्स लाउंज के ट्रेडिंग सिम्युलेटर में जो है वो इन हो गए हैं। अब आप अपनी डिज़ायर के स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बाद दो मेन पेज हैं, एक रैंकिंग और एक डैशबोर्ड। रैंकिंग के टैब में आप जो है वो जोन से प्लेयर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप उनके रैंक के साथ जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन प्लेयर्स नेम आ रहे होते हैं, उनकी टोटल नेटवर्थ क्या है वो आ रही होती है, कैश कितना है उनके पास वो आ रहा होता है, टोटल गेन एंड लॉस जो है वो देख सकते हैं आप, एंड टुडेज गेन एंड लॉस जो है वो आप देख सकते हैं। और अगर इसी पूरे डेटा को अगर आपको लीक करवा रहे हैं और इसके इसी पूरे डेटा पर आपने एक स्लाइड बनानी है तो आप यहाँ से CSV जो है वो उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम डैशबोर्ड के टैब पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड के टैब में आप टोटल पोर्टफोलियो देख सकते हैं, इस लीग में कितना जनरेट हुआ है, उसके बाद शेयर्स ट्रेडेड जो हैं वो टोटल कितने हुए हैं वो आप देख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी ली गई हैं ये वो फिगर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, और इस लीग में कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रैंक के साथ आप उनको देख सकते हैं, उनका नेम, उनके ईमेल एड्रेस, नंबर। उसके बाद स्टेटस आता है। स्टेटस में दो चीज़ें होती हैं, एक जो लीग होती है वो ओपन लीग होती है, कोई भी आता है उस लीग में ओपन हो सकता है, और एक लीग जो है वो परमिशनेबल लीग होती है। जब भी परमिशनेबल लीग होगी तो एडमिन जब तक यहाँ से उस बंदे को अप्रूव नहीं करेगा वो इस लीग में एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद इनकी जो है वो नेटवर्थ आ रही होती है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स किस बंदे ने कितने लिए हैं आप वो देख सकते हैं, और इसको जो है वो सॉर्टिंग भी जो है वो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन है, अगर कोई प्लेयर जो है वो रूल्स फॉलो नहीं करता तो ये बटन दबाकर आप उसको जो है वो किकआउट कर सकते हैं लीग से। इसकी एक बात जो है वो बहुत ध्यान रखनी है इसमें कि जब भी आप किसी प्लेयर को किकआउट करेंगे उसके बाद जब वो अगेन लीग में एंटर करेगा तो उसका ओल्ड पोर्टफोलियो जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और वो नए तरीके से जो है वो लीग में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद आप लास्ट एक्टिव का हेड देखते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा प्लेयर कब जो है वो लास्ट एक्टिव हुआ है। उसके बाद अगर आपने उसकी डिटेल्स देखनी है किसी भी प्लेयर की तो उस पर आप व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप उस प्लेयर के जो है वो मेन पेज पे जो है वो लैंड हो जाएंगे। आप उसका ओवरव्यू देख सकते हैं, आप उसकी पोजीशन देख सकते हैं, आप उसकी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, और इनको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। शुक्रिया।